Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all my YouTube family. How are you today? I hope you all okay. और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके लिए बड़ी ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूं और मैं ये रेसिपी बनाने के लिए बड़ी ही एक्साइटेड हूं और मुझे पता है कि ये रेसिपी आप भी घर में जरूर ट्राई करेंगे और मुझे दुआएं देंगे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। YouTube की तारीख में पहली दफा ये रेसिपी आप सिर्फ मेरे चैनल में देख रहे हैं। आप इसमें डाल दें डबल क्रीम वन बाउल। इसके साथ ही आप ऐड कर दें योगर्ट 3 स्पून और अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैंने इस मिक्सचर में थोड़ा सा चिकन और ऐड कर लिया है बिकॉज ये मिक्सचर इस चिकन के लिए ज्यादा था, तो अब मैं थोड़ा चिकन फ्रीज भी कर सकती हूँ बना के। अब आप इसको कवर कर दें एंड लीव इट फॉर होल नाइट इन द फ्रिज। ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद आप सेकेंड डे इसको ओपन करें और सबसे पहले इस चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये है हमारी टूथपिक और ये है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को एक प्लेट में डाल दें। और इस तरीके से चिकन को स्टिक में डालते जाएं। मैंने एक स्टिक में 4 पीसेस डाले हैं। अब इसको ऑल अराउंड ब्रेड क्रम्स से कवर कर लें
अच्छी तरह कवर कर लें। इसी तरह आपने सब की सब स्टिक्स रेडी कर लेनी है। और ये देखें, मैंने सब के सब चिकन रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब आप एक पैन ले लें और उसमें ओलिव ऑयल डाल दें। मैं ओलिव ऑयल यूज करती हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें आप चिकन को डाल दें। मैंने इसको मीडियम फायर पे फ्राई कर रही हूँ। मैंने चिकन को एटलीस्ट 4 मिनट्स तक फ्राई किया है और आप भी इसको एटलीस्ट 4 मिनट्स तक तो जरूर ही फ्राई करें ताकि चिकन अंदर से अच्छी तरह गल जाए। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप इस चिकन को फ्रीज भी कर सकते हैं और कोई गेस्ट वगैरह आ जाए घर में तो आप उसको टी के साथ ये फ्राई करके दे सकते हैं। आप ये चिकन बच्चों को भी सर्व कर सकते हैं। मैं तो अपनी बेटी को दूंगी और खुद भी खाऊंगी। चिकन की साइड को चेंज कर लें और जब चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसको बाहर निकाल लें। ये देखें, चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और 4 मिनट्स हो चुके हैं तो चिकन हमारा रेडी है। इसको बाहर निकाल लें। माशाल्लाह हमारी चिकन स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं एंड दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ट्राई एट होम। चिकन को घर में जरूर ट्राई करें और मुझे दुआ में याद रखें। और साथ साथ ये भी बता दूं कि ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाई है और मैं आपको खा के बताऊंगी कि ये कैसी बनी। इतनी मजेदार, इतनी टेस्टी कि कभी लाइफ में मैंने इस तरह की चीज नहीं खाई। इतनी मजे की है ये। और ये जो मैंने सॉस बनाई है, ये सॉस मैंने स्पेशली इसके लिए बनाई है और ये सॉस भी थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरी सॉस है। ये मिंट सॉस है पर ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये डबल क्रीम के साथ मैंने सॉस बनाई है। इसकी भी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी पर आप इसको इसके बगैर खा सकते हैं। आपने इस तरह की टेस्टी कभी भी नहीं खाई होगी और मैंने तो अपनी जिंदगी भर में इससे ज्यादा अच्छी चीज मैंने देखी नहीं। और मैं इसको करने वाली को खत्म और मुझे पता है आप भी इसको ट्राई करने वाले हैं और मुझे दुआएं देने वाले हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज और डोंट फॉरगेट टू सी छोटी सी बात। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा अहलाक और मुखलिस दोस्त होना भी रिस्क में शामिल है।